इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये है मांडू शहर, जो मालवा के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर द्वारा उनके प्रेमिका रानी रूपमती के लिए बनाए गए महल के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को, जिसे 400 से अधिक साल पहले लावारिस छोड़ दिया गया था और आज जो खंडरों में तब्दील हो चुका है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी बयां करता है। हालांकि इस प्रेम कहानी का कोई ऐतिहासिक आधार तो नहीं है, फिर भी ये हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहाँ के मंडपों और शानदार महलों को देखने के लिए उमड़ते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर इमारत रूपमती मंडप है और उसी के नीचे बाज बहादुर का खूबसूरत महल। मियां बायजीद बाज बहादुर मालवा के अंतिम सुल्तान थे। बाज बहादुर ने सन 1555 से 1562 तक हुकूमत की। हिंदू गायिका रूपमती और बाज बहादुर के इश्क की कहानी मध्यकालीन भारत की सबसे ज्यादा मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। ऐसी लोक कथा जो इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। माना जाता है कि ये रिश्ता किसी सीआईसी गठजोड़ या किसी समझौते के तहत नहीं बनाया गया था, जैसा उस जमाने में आमतौर पर होता था। सन 1555 में बाज बहादुर ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था और कहानी के मुताबिक उसी दौर में एक शिकार के दौरान बाज बहादुर को गाने की सुरीली आवाज सुनाई दी। तब उनकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो अपने साथियों के साथ पशु चरा रही थी और गा रही थी। बाज बहादुर उस लड़की के हुस्न और आवाज पर फिदा हो गए। वो लड़की रूपमती थी। बताया जाता है कि बाज बहादुर ने रूपमती के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उन्होंने रूपमती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसे अपने साथ चलने को कहा। रूपमती सुल्तान से इनकार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि सुल्तान को उसके लिए एक ऐसा महल बनवाना होगा जहां से वो नर्मदा नदी के दर्शन कर सके। सुल्तान ने अपनी प्रेमिका की शर्त कबूल कर ली और रूपमती के लिए रेवा कुंड का निर्माण करवाया। दोनों का इश्क खूब परवान चढ़ा। रूपमती बहुत अच्छी कवित्री और गायिका थी। बाज बहादुर भी एक मंझे हुए गीतकार और संगीतकार थे। वो दोनों अपने प्रेम में बेहद डूब गए थे। लोगों का मानना था कि इसी वजह से बाज बहादुर का ध्यान राजपाट से हट गया था। वो सुल्तान की बजाय एक संगीतकार में तब्दील हो चुके थे। सुल्तान की तरफ से हुकूमत के प्रति लापरवाह होने की खबर अकबर के कानों तक पहुंच गई थी और रूपमती के खूबसूरती की खबर आदम खान के कानों तक। सन 1561 में आदम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने मालवा पर हमला बोल दिया। बाज बहादुर मुगलों की बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए अपनी छोटी सी फौज लेकर सहारनपुर पहुंचे, लेकिन बाज बहादुर को अपनी पराजय का यकीन हो गया था और वो अपनी सल्तनत और अपनी प्रेमिका रूपमती दोनों को छोड़कर भाग गए। जब अधम खान को पता लगा कि बाज बहादुर अपनी जान बचाकर भाग गए हैं, तो उसने अपने हाथ रूपमती के तरफ बढ़ाने चाहे। रूपमती एक आत्मसम्मान वाली महिला थी। वो अधम खान के हाथों बेइज्जत नहीं होना चाहती थी। बताया जाता है कि उसने अपनी इज्जत के खातिर जहर खाकर जान दे दी। इस तरह एक सुंदर प्रेम कहानी का अंत हो गया। लेकिन ये प्रेम कहानी आज भी मालवा की लोक कथाओं में जिंदा है।